अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, और थोड़े से टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है गुलाब जामुन पैकेट, ये इंस्टेंट पैकेट है। मैंने यहाँ पे एक बड़ी वाले पैकेट यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने 2 कप शुगर यानी 2 कप्स ऑफ शक्कर, जितना आप शक्कर यूज़ करेंगे उतना ही क्वांटिटी का पानी यूज़ करें, और थोड़ा ऑयल, यहाँ पे मैं फ्राई करने के लिए ऑयल लूँगी, और थोड़ा सा दूध यानी मिल्क आटा को खूनने के लिए, और 2 कार्डमम यानी इलायची, और यहाँ पे मैं लूँगी 1 से 2 बड़े चम्मच सूजी की, ये बहुत बारीक वाली सूजी यूज़ किया है मैंने, यानी रवा, और थोड़ा सा जाफरान, आधी चम्मच जितना मैं लूँगी, और यहाँ पे लूँगी थोड़े से कटे हुए बादाम यानी आलमंड, और लेमन 1/2 टीस्पून लेमन जूस का यूज़ करूँगी। अभी चलते हैं अगले प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे एक बाउल में सूजी को ऐड कर लिया है यानी रवा, मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी यूज़ किया है, और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने रखेंगे। इसे ऐड करने से आपकी जामुन एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अभी चलते हैं डो तैयार करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक बॉल में हमारा आटा निकाल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून ऑफ शुगर, और इसे मिक्स कर लें। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ ऑयल यानी 1 चम्मच मैं इसमें तेल का यूज़ करूँगी, और मैंने ये जो रवा को भिगो के रखा था यानी सूजी को 10 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैं ऐड करूँगी। इसे ऐड करने से आपके जो बॉल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे यानी जामुन। इसे मिक्स कर लें, देखिए अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अभी मैं इसमें मिल्क ऐड करके इसका एक डो तैयार कर लूँगी। मैंने इसे दूध में ही इसका डो तैयार किया है। इस तरह से करने में बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे हमारे गुलाब जामुन। अभी ये रेडी है। इसमें मैं 1 से 2 बड़े चम्मच ऑयल को लगा के इसे भी मिक्स करके इसे करीब 2 मिनट तक गून लें ऑयल लगा के, और इसे रेस्ट करने रखेंगे करीब 15 से 20 मिनट तक, और चलते हैं अगले प्रोसेस पे जब तक ये रेस्ट करें। जब तक हमारा डो रेस्ट करेगा तब तक हम शुगर सिरप बना लेंगे। मैंने एक बर्तन में 2 कप शुगर और 2 कप पानी यूज़ करूँगी। जितना आप शुगर यूज़ करेंगे उतना ही क्वांटिटी में आप पानी लीजिए। इसमें आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगी। ये रहा मेरा पहला टिप्स आपके लिए, और मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच इसमें जाफरान ऐड करूँगी, और 2 कार्डमम यानी इलायची, इसे मैंने कट कर लिया है सेंटर से। इसे मिक्स करके इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। देखिए अभी ये पक रही है। अगर आप इसमें
देखिए हमारी चाशनी पक रही है, यहाँ पे झाग आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ से एक चम्मच इसमें लेमन जूस का। इसे डालने से क्या होगा कि आपका आपकी चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे, यानी ये ठंडा होने के बाद ये जमेगा नहीं। ये रहा मेरी दूसरी टिप्स आपके लिए। और देखिए अभी इसे पक रहा है, इसका कलर चेंज हो चुका है। इसे चेक करते हैं एक बार, एकदम ठंडा करके चेक करें। नहीं, ये अभी भी पकना होगा, इसे और थोड़ी देर पकाएंगे। अगर आप इसमें चाशनी में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा डालें तो आपके बॉल्स यानी फट जाएंगे। देखिए अभी ऑलमोस्ट डन है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसकी एक तार की चाशनी बन चुकी है। अभी हमारा डो रेस्ट करके 15 मिनट हो चुके हैं, एकदम बहुत ही सॉफ्ट बन चुका है। अब इसके बॉल्स बना लूँगी। देखिए मैंने यहाँ हमारे यहाँ एकदम छोटे वाले बॉल्स बनाती हूँ, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये देखने में भी, और मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है छोटे जामुन, इसलिए मैं छोटे ही बनाती हूँ। आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना लें। देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप चाशनी में शक्कर ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दें तो आपके जो बॉल्स हैं यानी गुलाब जामुन वो अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये रही मेरी आपके लिए अगली टिप्स। देखिए मैंने सारे इसे बना लूँगी बहुत ही छोटे छोटे साइज़ में, और ये बहुत ही प्यारे लगेंगे दिखने में भी, और मुझे भी इस तरह से बहुत पसंद आते हैं। देखिए मैंने काफ़ी हद तक बना लिया है, ऐसे अब हम चलते हैं। और यहाँ पर भी एक टिप्स दूँगी, यहाँ पे देखिए इस पे आप जब भी आप जामुन बनाएं इस पे क्रैक ना आने दें। अगर आपके क्रैक आना स्टार्ट शुरू हो गए तो आपके जामुन फट सकते हैं। और जितना हो सके आप इसे राउंड ही बनाएं, थोड़ा सा भी क्रैक ना आने दें। अभी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है कढ़ाई में तेल, इसे गर्म होने दें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम तेल यूज़ किया है, आप यहाँ पे भी कुछ टिप्स यूज़ करें। आप एकदम हाई फ्लेम पर रख के इसे पहले गरम कर लें। इसे मैं एक बार चेक करती हूँ कि गरम हो चुका है या नहीं। अगर आपका तेल गरम नहीं हुआ तो जब आप डालेंगे तो आपके जामुन फट जाएंगे, इसलिए आप एकदम गरम तेल में ही डालें। जब डालना स्टार्ट करेंगे तो आप मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इसे कर दें। ऐसे थोड़े से ही जामुन डालें इसके अंदर ताकि इसे हलाने में आसानी हो। मैंने काफ़ी थोड़े से ही डाले। जब आप इसे जामुन ऐड करेंगे तो आप इसे लो फ्लेम पर ही इसे ऐड करके पकाएं, लो से मीडियम फ्लेम पर ही रखें। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ताकि आपके जामुन फटेंगे नहीं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे तो ये ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग में आप हाई फ्लेम रखें और जब डालें तब आप इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं और अंदर से भी ये पक जाएगा। इसे बीच बीच में चलाते ही रहें। देखिए अब हमारे जामुन रेडी हैं, इसे मैं किचन टॉवल में निकाल लूँगी और ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। और चलते हैं इसे चाशनी में डालने के लिए। जब इसे आप चाशनी में ऐड करेंगे तब इसे रूम टेम्परेचर पर लाएं, ताकि ये एकदम गरम ना डालें, इसे थोड़े से ठंडे करके इसे चाशनी में डालें। अभी हमारी चाशनी गरम नहीं है, ये हल्का सा गरम है। आप इस तरह अगर आप गरम चाशनी में डालें तो आपके जामुन फट जाएंगे, और अगर आप जामुन भी गरम गरम डाल दें तो भी आपके जामुन फट जाएंगे।
ये आप देखिए, ये भी है मेरी आपके लिए टिप्स जामुन के लिए, परफेक्ट जामुन के लिए। मैंने इसे डाल दिया, अभी इसे रेस्ट करेंगे 30 मिनट तक। देखिए हमारे जामुन एकदम रेडी हैं। इसे मैं आपको प्रेजेंटेशन करूँगी। इसके ऊपर थोड़े से मैंने आलमंड ऐड किए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा जामुन, और दिखने में बहुत खूबसूरत है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं आप हमारे जामुन। आप भी इसी तरह ट्राई कीजिए, आपके जामुन परफेक्ट बनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे जामुन, देखिए वाह। और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।